नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंबाला ने यमुनानगर के रादौर क्षेत्र में अफीम की खेती कर रहे एक तस्कर को गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा। उससे 200 अफीम के पौधों की खेती का खुलासा हुआ है। अब आरोपी को अदालत में पेश कर नेटवर्क खंगालने के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निरीक्षक केवल सिंह ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ब्यूरो को सूचना मिली थी कि रादौर क्षेत्र में अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर जाल बिछाया तो खेड़ी लखा सिंह में सचिन नामक व्यक्ति को मामले में संलिप्त पाया गया। मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रादौर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खेतों में 200 अफीम के तैयार पौधे पकड़े गए, जिन्हें जड़ सहित उखाड़ कर आरोपी के साथ अदालत में पेश किया जाएगा। आज हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अम्बाला टीम ने रादौर क्षेत्र में खेड़ी लखा सिंह गांव में एक सचिन नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो प्रमुख हमारे श्रीकांत जाधव जी एडीजीपी साहब के दिशा निर्देशानुसार और आदेशानुसार नशाखोरी पर लगातार हमारी टीमें कार्रवाई पूरे हरियाणा में कर रही हैं। उसी के तत्वावधान में सचिन नाम के जिस व्यक्ति को हमने खेड़ी लखा सिंह से पकड़ा है, उसने अपने खेत में अफीम के पौधे उगाए हुए थे, जो लगभग 200 पौधे उसने अपने खेत में उगाए हुए थे। तो टीम ने मौके पर मजिस्ट्रेट को बुलाकर कार्रवाई की है, उन पौधों को उखाड़ा गया है और उनको व्यक्ति को भी सचिन को भी जिसने अफीम उगाई थी उसको और इन केस प्रॉपर्टी को कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। उससे पूछताछ की जा रही है कि पूर्व में भी इसने कोई ऐसी खेती की है या नहीं की है, क्योंकि ये पूरी तरह से गैरकानूनी होती है। इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह ऐसा हरियाणा में सरकार द्वारा नहीं दिया जाता, तो गैरकानूनी है पूरी तरह से। और हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम प्रतिबद्ध है ऐसे नशाखोरों पर या नशे का व्यापार करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए।